लाख मना करने के बाद भी जब दिव्यम को ये पता चला कि उसके पिता को नकली राधिका ने धक्का दिया है और असली राधिका बिल्कुल ही निर्दोष है, और जब ये बात दिव्यम के पिता ने उसे बताई कि उसे नकली राधिका ने धक्का दिया है बल्कि असली राधिका तो बिल्कुल निर्दोष है और इन सब की जिम्मेदार राधिका नहीं बल्कि सुजाता है, तो दिव्यम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसने तुरंत राधिका को गले लगा लिया। लेकिन रानी ने जब ये बात देखी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और सुजाता भी ये सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, अगर सबको ये बात पता चली तो सब लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब से कली के सास दोबारा इस घर में आई है तब से कविता और सुजाता दोनों मिलकर राधिका को घर से बाहर निकालना चाहती हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि एक नालायक सास इस घर में आई है तो दूसरी नालायक सास इस घर से जाने की कगार पर है। सीरियल मन अति सुंदर के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दिव्यम राधिका की माँ को कहता है कि आप मुझे दामाजी मत बोलिए क्योंकि मैं राधिका को अपने जीवन में कभी भी अपनाने वाला नहीं हूँ, और राधिका तब तक इस घर में है जब तक कि मेरे पिता ठीक नहीं हो जाते, और जैसे ही मेरे पिता ठीक होंगे राधिका तुरंत उस घर से चली जाएगी जैसे वो 7 महीने पहले गई थी, क्योंकि भले ही पिताजी ठीक हो जाएं लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि पिताजी की ये हालत इसी ने की है और उन्होंने जो 7 महीनों में दर्द झेला है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। ये बात सुन के राधिका बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा तू रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, तू बस भगवान पे भरोसा रख क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन इसमें क्या अच्छाई, कैसी अच्छाई और क्या अच्छाई आपको दिख रही है? लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी है कि भले ही हमें कुछ पल के लिए दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन भगवान हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान इस बात को नहीं मान सकता कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन इस बात को मानने और समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए और उसके अंदर जिगर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी ये मानते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भले ही दिव्यम के दिल और दिमाग पर ये छाया हुआ है कि उसके पिता को धक्का राधिका ने दिया है, लेकिन जिस दिन दिव्यम के पिता ठीक होकर दिव्यम को सारी सच्चाई बता देंगे उस दिन दिव्यम की आंखों पर पड़ा पट्टी भी हट जाएगा। उस दिन उसे ये पता चल जाएगा कि उसके पिता को असली राधिका ने नहीं बल्कि नकली राधिका ने मारने की कोशिश की थी, और इन सबके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सुजाता है, क्योंकि वो ही इस घर में नकली राधिका यानी रानी को अपनी बहू बना के लाई है, और ये दोनों प्लान के मुताबिक एक दूसरे से मिली हुई हैं, और इन दोनों सुजाता और रानी ने मिलकर मेरे साथ पिछले 7 महीनों में ऐसा व्यवहार किया है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मन अति सुंदर सीरियल में जग्गू बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है और सुजाता और रानी का इस घर से बॉयकॉट होने वाला है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।